Hi guys, welcome back. With this video, let's start with chapter 5, which is elasticity. In this particular video, hum pura ka pura elasticity of demand discuss karenge. So I'm going to discuss elasticity of demand, all the factors which impact elasticity of demand, and the various ways to calculate elasticity of demand. But before I do that, let us talk about the term elastic. What does elasticity mean? Elasticity hota kya hai? You know, you guys must have seen a rubber band. उसको अगर आप pull करो तो वो stretch होता जाता है ना, it becomes stretch होता है. और एक point के बाद अगर आप उसको बहुत ज़्यादा stretch कर दो तो वो टूट जाता है, है ना? And every rubber band is different. Some rubber bands have more elastic, मतलब वो ज़्यादा stretch हो सकते हैं. Some rubber bands are less elastic, मतलब वो कम stretch हो सकते हैं. So elasticity as a concept is the same thing. So when we say elasticity of demand, we normally mean price elasticity of demand. Price is hidden. अगर आपको elasticity of demand बोला गया है तो price understood है. तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जब price change होता है, price is my cause, उसकी वजह से quantity में कितना change आता है, that is elasticity. अगर quantity में ज़्यादा change आता है तो highly elastic है, कम change आता है तो कम elastic है. I will take an example. Let's suppose there are two goods, salt and let's say Levi's jeans. ठीक है, price इसका भी बढ़ा, price इसका भी बढ़ा. Price बढ़ने से quantity demanded इसकी भी कम हुई और quantity demanded इसकी भी कम हुई. But you know यहाँ पे क्या हुआ, जब price salt का बढ़ा तो लोग सोचेंगे यार salt नहीं खरीदूंगा तो क्या खरीदूंगा, या फिर हो सकता है सॉल्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ा. मतलब पॉइंट बीइंग कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ मेरा लेट्स से 2% से, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड मेरी फॉल हुई 2% से. यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ 2% से लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड मेरी फॉल कर गई 10% से. तो मैं आपसे पूछूँ सॉल्ट और लिवाइस जीन्स में से कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है, यू विल ऑटोमेटिकली चूज दिस वन. Why? Because with the same increase in price, इसमें quantity जो fall हुआ वो ज़्यादा था as compared to salt. तो जो हमारा push है, you know, remember मैंने आपको car का example लिया था A से B पे जाना है, जो मेरा push है वो same है. उसमें जितना ज़्यादा हमारा change आता है quantity में, उतना ही हम good को ज़्यादा elastic बोलते हैं. Make sense? Yes? So elasticity of demand means automatically price elasticity of demand. तो जो हम सारे cases कर रहे हैं उसके अंदर हम price को change करके बाकी सारे factors को constant रखेंगे. Various determinants of price elasticity of demand. The first one, close substitutes. Or in other words, availability of close substitutes. अब होता क्या है, जैसे हमने salt का example लिया with respect to Levi's jeans. अगर लिवाइस अपने प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को लगेगा यार इसकी जीन्स नहीं खरीदेंगे, बहुत सारे और ब्रांड्स हैं, वी कैन बाय H&M, वी कैन बाय कैनन, वी कैन बाय सो मेनी अदर्स, वी आर नॉट स्टक टू लिवाइस, राइट? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी और ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे और क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगी. लेकिन सॉल्ट का अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सॉल्ट, तो अगर मैं सॉल्ट कम करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती, इसीलिए इसकी डिमांड हो गई हमारी इनइलास्टिक. सो जिस भी गुड के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, और जिस भी गुड के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है. टू, नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरीज. यू नो आई'ल टेक अ नाइस एग्जांपल हियर, लाइक वाईफाई इज अ नेसेसिटी, राइट? सो यू नो इफ टुमारो और एनी ऑफ योर ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंक्रीजेज इट्स प्राइस, तब भी आप बोलोगे ना इंटरनेट तो चाहिए, क्या कर सकते हैं, तो उसकी डिमांड क्या होगी आपकी, इनइलास्टिक. उसकी डिमांड आपकी इनइलास्टिक होगी. एंड सिमिलरली लग्जरी विल हैव अ वेरी इलास्टिक डिमांड, यू नो, बिकॉज इट्स अ लग्जरी ना, यू डोंट रियली नीड दैट गुड. नेसेसिटी मीन्स यू नीड दैट गुड, लग्जरी मीन्स यू जस्ट बाइंग दैट गुड बट इट्स नॉट रियली अ नेसेसिटी. सो अगर वाईफाई का प्राइस बढ़ जाएगा या सॉल्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तब भी उसकी क्वान्टिटी हम ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे, दैट डिमांड इज इन इलास्टिक, यू नो. बट लेट्स से मूवी टिकट्स का प्राइस बढ़ गया या लेट्स से एंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ गया, जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट का प्राइस बढ़ गया, बिकॉज इट्स अ लग्जरी, दैट्स वाई उसकी डिमांड आप फिर भी कम कर सकते हो. यू नो बिफोर आई मूव ऑन आई वॉन्ट टू मेक अ डिस्क्लेमर हियर.
everybody decides their own necessities and luxuries. A luxury for you may be a necessity for me. A luxury for me may be a necessity for you. So jab humne bola necessities versus luxury, I'm not saying for the whole economy. I'm saying for you. Aapke liye jo necessity hai, aap uske liye kam elastic ho. Aapke liye jo luxury hai, aap uske liye zyada elastic ho. आपको लगता है जिस चीज के क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल हैं उसके लिए आप ज्यादा इलास्टिक हो, राइट? सो इट्स एवरीथिंग इज पर्सन डिपेंडेंट, ओके? इट्स नॉट अ यूनिवर्सल थिंग. थर्ड, डेफिनेशन ऑफ द मार्केट. यू नो, हाउ डू वी डिफाइन द मार्केट? सो लेट्स सपोज आई टॉक अबाउट आइसक्रीम, डिमांड फॉर आइसक्रीम एंड डिमांड फॉर मिल्क एज अ कैटेगरी और डेयरी एज अ कैटेगरी. अब जब हमने आइसक्रीम की बात करी तो वो वन प्रोडक्ट है. जैसे मैंने पूरे के पूरे डेयरी की बात करी तो उसके अंदर आइसक्रीम्स भी आ गई, उसके अंदर मिल्क भी आ गया, बटर भी आ गया, चीज़ भी आ गया, योगर्ट भी आ गया, कर्ड भी आ गया, सब कुछ आ गया. तो ऑटोमेटिकली जितना हम मार्केट को ज़्यादा बड़ा डिफाइन करते जाएंगे उतनी ही हमारी इलास्टिसिटी कम होती जाएगी, उतना ही हमारा इनइलास्टिक होता जाएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस ऑफ आइसक्रीम्स बढ़ जाएगा तो मैं बोलूँगी ठीक है यार कोई बात नहीं, आइसक्रीम्स कम खाएंगे, चॉकलेट्स खा लेंगे, कुछ और खा लेंगे. डेयरी का अगर प्राइस बढ़ गया तो हमें अगर क्वांटिटी कम करनी है तो हमारे को सब चीज़ों की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी. आइसक्रीम, चॉकलेट्स, मिल्क, बटर, घी, एनीथिंग विच इज़ मेड फ्रॉम डेयरी. तो सब चीज़ों की डिमांड कम करना मुश्किल होता है ना. विच इज़ वाई द ब्रॉडर द डेफिनेशन ऑफ द मार्केट इज, द ब्रॉडर द मार्केट इज द मोर इनइलास्टिक इट इज. द नैरोअर द मार्केट इज द मोर इलास्टिक इट इज. एंड द नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन, द फोर्थ डिटरमिनेंट इज टाइम होराइजन. शॉर्ट टर्म में अपनी डिमांड चेंज करना मुश्किल होता है, लॉन्ग रन में डिमांड चेंज करना आसान होता है. आपको आपको एक चीज़ खरीदते हो एवरी डे, लेट्स से यू बाय हार्वेस्ट की ब्रेड, एवरी डे यू बाय हार्वेस्ट गोल्ड ब्रेड, यू सो यूज्ड टू बाइंग इट एवरी डे, आप हर रोज़ खरीदते हो. तो अगर आपको आप एक दिन जॉब शॉप पर जाओ, प्राइस बढ़ भी गया होगा, आप बोलोगे छोड़ा ले लेता हूँ, नेक्स्ट डे आप सोचोगे अब तो ये तो प्राइस बढ़ ही गया, मैं हर रोज तो नहीं ज्यादा प्राइस स्पेंड कर सकता, लेट मी सी और कौन से अवेलेबल ऑप्शंस है, कुछ और ले लूंगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम होराइजन. लॉन्गर टाइम होराइजन वुड मीन अ हायर इलास्टिसिटी. देयर आर फाइव मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो वी आर गोइंग टू स्टडी देम वन बाय वन. द फर्स्ट मेथड इज द नॉर्मल न्यूमेरिकल मेथड. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड एज percentage change in quantity upon percentage change in price. Ya fir percentage in change in quantity is Q2 minus Q1 upon Q1 the whole upon P2 minus P1 upon P1. This can be written as change in Q upon change in P into P by Q. तो अगर हमारे पास 20% चेंज इन क्वांटिटी आया है बिकॉज ऑफ अ 10% चेंज इन प्राइस तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2. And so on and so forth. This is the first method. The second method is called the midpoint method. तो कई बार क्या होता है, हमारे पास starting point नहीं होता तो हम midpoint ले लेते हैं. So for example, अगर हम A से B पे गए हैं, हमारा starting हमें ये नहीं पता कि starting point कौन सा है. Like you know, here when we do this, हमें पता है कि Q1 और P1 कौन सा है. So we are when we're moving from A to B, then we know that A is my starting point. When A is my starting point, तो हम Q1 और P1 जो लेंगे वो A का लेंगे, right? So इसके अंदर हमें पता है कि A हमारा starting point है, तो इसलिए हम Q1 और P1 जो लेते हैं ना वो हम A का लेते हैं. कई बार ये क्या होता है कि हमारे पास demand curve है तो हमें पता तो है कि हमारे को elasticity calculate करनी है A से B के बीच में, but we don't know whether we are going in this direction or this direction. So we don't know कि हमें P1 जो Q1 जो लेना है वो B का लेना है या A का लेना है. तो इन situations में midpoint method works better. So A point पे let's say price is $4 and quantity is 120 and B point पे price is $6 and quantity is 80. Then the midpoint method says कि हम इसके अंदर change in Q upon change in P into P by Q करते थे ना, अब हमारे को P तो पता नहीं है क्या है, इसलिए हम करेंगे P1 plus P2 upon 2 upon Q1 plus Q2 upon 2. Actually second step is, the first step is change in Q upon Q1 plus Q2 upon 2 upon change in P upon P1 plus P2 upon 2. तो अगर आप इसको करोगे तो यही आता है, right? So change in Q is 40, change in P is 2,
into P1 plus P2 is 6 plus 4, 10 upon 2, which is 5, upon 120 plus 80, which is 200, upon 2, which is 100. So we get price elasticity to be equal to 1, according to the midpoint method. Just for the sake of you understanding as to what is happening, I want to do one more thing. Let's suppose iske andar hum same nikalte hain. So Q2, now we are saying that let's suppose, again, A point and B point is given to us. A point pe price is 4 and quantity is 120. And B point pe price is 6 and quantity is 80. So this is A and this is B. So what would be the elasticity when we go from A to B? And what would be the elasticity when we go from B to A? So A to B jab hum jayenge, tab elasticity kya hogi? Change in Q, which is 40, upon change in P, which is 2, into P by Q. A to B ja rahe hai, toh starting point A hai. So it's going to be 4 upon 120. That is 4 upon 6, which is 2 by 3, which is 0.18. That's the elasticity. And from B to A, 0.66. B to A, agar hum jayenge, toh kya hoga? 40 upon 2, B to A will be 40 upon 2 into, now P by Q will be B's, which is 6 upon 80. So this is 2, again this is 6 by 4, which is 1.25. Do you see the difference? Agar hum midpoint method se nikalte hain, to humare paas elasticity aayi 1. With the direction, we got either a 0.66 or 1.25. Which is why, jab aapko question poocha jata hai, it is very important for us to figure out ki wo humse pooch raha hai normal elasticity ya fir wo humse midpoint method se nikalne ke liye bol raha hai. Because har ek uske andar the answer is very different. Right? So midpoint method essentially was taken kyunki hume ye nahi pata tha, scientifically hume ye nahi pata ki hume kis direction mein jana hai. The third method is the graphical method. इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी elasticity और demand क्या है according to the shape of the demand curve. So the demand curve is really really flat. We say the demand curve is elastic. How? Because for a smaller change in price, we have a larger change in quantity. And similarly, the demand is really really steep. We say the demand curve is inelastic. How? Because for a larger change in price, there's a smaller change in quantity. You see, this is lesser and this is bigger. And accordingly, when the demand curve is completely flat, it is perfectly elastic. And when the demand curve is completely vertical, it is perfectly inelastic. And when it is at a 45 degree line, it is unitary elastic. Unitary elastic ka matlab hai ki jitna hamara change aaya price mein, utna hi hamara change aaya quantity. Right, so these are the variety of demand curves we have graphically. Depending on the shape of the demand curve, we can say whether it is elastic or inelastic. The fourth method is the total revenue method. It's a very interesting one, huh? So, hume pata hai, jab price increase hota hai, to quantity fall karti hai. Aur hume ye bhi pata hai, jab price fall karta hai, to quantity rise karti hai. And total revenue is nothing but price into quantity. So then we say for a given increase in price, if quantity is falling by a lot, this would imply that total revenue will fall. And quantity will fall by a lot only if the curve is elastic. Agar price increase karne se quantity zyada giri, तो इसका तो वो इलास्टिक था क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा गिरी इसलिए तो टोटल रेवेन्यू कम हुआ, which means that when price and total revenue are in opposite directions, then the curve is elastic, right? Similarly, जब price increase कर रहा तो क्वांटिटी फॉल तो करी, लेकिन क्वांटिटी फॉल बहुत कम करी, मतलब बहुत ज़्यादा price increase करने से क्वांटिटी फॉल बहुत कम करी, इसका मतलब curve inelastic है. और इस केस में टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि मेरे पास प्राइस इंक्रीज ज्यादा हुआ ना. सो व्हेन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव इन द सेम डायरेक्शन, दे आर द सेम डायरेक्शन, देन द कर्व इज इनइलास्टिक, राइट? एंड व्हेन प्राइस इंक्रीज इज सेम एज द क्वांटिटी फॉल, देन टोटल रेवेन्यू विल रिमेन द सेम. सो व्हेन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पी कैन नॉट चेंज द टोटल रेवेन्यू, देन द कर्व इज यूनिटरी इलास्टिक.
यूनिटरी इलास्टिक, राइट? मेक सेंस? सो अगर प्राइस के इंक्रीज करने से हमारा, सो यू नो इट डजंट मैटर कि हम किस इंक्रीज या डिक्रीज की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास इलास्टिसिटी इज इनइलास्टिक, वी आर सेइंग व्हेन वी हैव इनइलास्टिक कर्व, व्हेन वी हैव इनइलास्टिक कर्व, इनइलास्टिक कर्व का मतलब होता है द मॉड ऑफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, देन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव इन द सेम डायरेक्शन. इनइलास्टिक कर्व मींस दे मूव इन द सेम डायरेक्शन. इलास्टिक मींस दे मूव इन द opposite direction. Equal to one means that they are not able to change the total revenue at all. There's one more small point which I think I've not discussed with you. Let me do that. Elasticity of demand will always be negative, which means when price increases, quantity falls. Right? That's a given. So जब भी हम elasticity को discuss करते हैं, तो हम mod value में discuss करते हैं. Any elasticity which is greater than 1 is elastic, and any elasticity which is equal to 1 is called a unitary elastic. Let's look at the last method. The last and the final method, which is the fifth method, is elasticity along the curve. So this is, if you are saying that this is my curve and I want to find out elasticity at point A here, then the elasticity is lower segment upon the upper segment. Since we know it's the lower segment upon the upper segment, then what do we do is we draw the demand curve and we take out the midpoint of the demand. Which is suppose here. So here elasticity is lower segment na chota hai yahan pe. So elasticity is less than 1. Here elasticity is greater than 1. Yahan pe niche aur upar same hoga, midpoint hai. So elasticity is equal to 1. Here the lower segment is 0. So elasticity is 0. Here the upper segment is 0. That's why elasticity is equal to infinity. Right? So these are the five methods of elasticity. Let's review them again. In the first method, we simply do percentage change in quantity upon percentage change in price. Iske andar bhi elasticity is always taken as mod value, negative hoti hai. 0.66 matlab inelastic, 1.25 matlab elastic. Which means that when I'm going to from A to B, जब मैं नीचे जा रही हूँ कर्व पे A to B, तो कर्व इनइलास्टिक है. बट जब मैं B to A जा रही हूँ, तो कर्व इलास्टिक है. सॉरी, दिस इज B, दिस इज A. सो व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम A टू B, देन द कर्व इज इलास्टिक. सो कर्व इज इनइलास्टिक. आई एम सो सॉरी, लेट मी जस्ट रिपीट दैट. व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम A टू B, द कर्व इज इनइलास्टिक. राइट? दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज के लिए कर्व जो है वो इनइलास्टिक है. प्राइस डिक्रीज के लिए, बी टू ए इज प्राइस डिक्रीज के लिए कर्व इज इलास्टिक. और मिड पॉइंट मेथड में तो हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक आ रहा है. राइट? ग्राफिकल, दिस इज इलास्टिक, दैट मीन्स ई इज ग्रेटर देन 1. इन इलास्टिक मतलब ई इज लेस देन 1. परफेक्टली इलास्टिक मतलब ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी. परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब ई इज इक्वल टू 0. यूनिटरी इलास्टिक मतलब ई इज इक्वल टू 1. थर्ड मेथड. Fourth method is our total revenue method. Inelastic, same direction. Elastic, opposite direction. Constant TR matlab equal to 1. Yeah? And the fifth method is along the curve. So these are our five methods. This is your numerical method, midpoint, graphical, total revenue method, and elasticity along the curve. So these methods finish our elasticity of demand. In the next video, I will start with other demand elasticities, which are your income elasticity, cross price elasticity, etc. But elasticity of demand, price elasticity of demand, this is what we have. And that is it. Okay, I will see you in the next video. Thank you.